आरक्षण का मुद्दा अब नजर आएगा बड़े पर्दे पर और उसकी उथल पुथल से जूझते नजर आएंगे अमिताभ बच्चन, मनोज वाजपेयी, दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान। लेकिन फिलहाल हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे सवालों से जूझते नजर आएंगे अमिताभ बच्चन, मनोज वाजपेयी और फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा। तो चलिए करते हैं उनसे बात। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। सबसे पहले तो प्रकाश जी, मैं आपसे पूछूंगा, 20 साल हो गए करीब जब ये मंडल कमीशन के ऊपर एजिटेशन हुआ, तो 20 साल लग गए आपको इसे पर्दे तक लाने में, ऐसा क्यों? नहीं, 20 साल ही नहीं लगे, पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसमें भी आरक्षण की बात हुई थी और दिया गया था आरक्षण, और ये लगातार चलता चला आ रहा है। और ये अभी परसों सलमान खुर्शीद साहब ने फिर ओबीसी मुसलमानों को आरक्षण देने की बात चली, तो ये कोई मुद्दा 25 साल नहीं लगा। गुर्जर के का आंदोलन, गुर्जरों का जो अभी गुजरा है, ये तो एक अनवरत प्रक्रिया है दोस्त, कि मौकों में कुछ जगह को अगर हम रिजर्व कर देते हैं कुछ लोगों के लिए, तो जिनके लिए रिजर्वेशन आज तक नहीं मिला उनके लिए भी परेशानी है, जिनकी रिजर्वेशन से आज दूसरों की सीटें जाती हैं उनको भी परेशानी है। ये तो एक समाज की प्रक्रिया चल। जब भी मुद्दा उठा था 1990 में, उस वक्त अमित जी आपकी क्या सोच थी? कि उस समय मुझे इस मसले की ज़्यादा जानकारी थी नहीं, और एक आम नागरिक की तरह हम भी पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन कभी इस पर ध्यान जाता नहीं, क्योंकि वो स्वयं अपने पर बीतती नहीं है। हमारा ज़माना, जब हम कॉलेज वगैरह में थे उस ज़माने में, इसका हमें ध्यान ही नहीं था और हमें किसी आपत्ति का सामना भी नहीं करना पड़ा। लेकिन जब तक वो आकर के एक व्यक्तिगत रूप पर आपको नहीं प्रभावित करता, या आप उसका असर उसका आपके ऊपर नहीं होता, तब तक आप समझ नहीं पाते। मैं उस क्षेत्र में गया नहीं। आपने जब पढ़ाई कर रहे थे तो आपको इस तरह का मुद्दा या इस तरह की चीज़ें कभी सामने आई अपने एडमिशन्स में या कभी? कुछ नहीं, अमित जी ने बचा लिया मुझे। अच्छा। जंजीर पहले दिखा दी बचपन में। अच्छा। तो कुछ और बनने का सोचा ही नहीं, घर और छोड़ के भाग गए एक्टिंग करने के लिए। और सौभाग्यवश जो है, यहाँ पर उस तरह के आरक्षण की ज़रूरत है नहीं। मेहनत करते गए और भगवान की दया से जो है काम मिलता गया, इसलिए एक चांस मिल गया। एक चांस मिल गया। इंडस्ट्री में कभी हो जाए कि आरक्षण? हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। क्रिएटिविटी में आपको अपनी क्रिएटिविटी प्रूव करनी पड़ेगी, करेक्ट करना पड़ेगा दर्शक के साथ, श्रोता के साथ, और तभी जाकर के आपका उद्धार होगा। यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं चलता। पिता का पुत्र तभी कामयाब होता है जबकि वो काबिल हो, अगर काबिल नहीं होता तो उसको कोई कामयाब नहीं कर सकता। NDTV's क्रिकेट ऐप, Android एंड iPhone, fastest scorecard, special analysis and much more. Download free NDTV.com/apps.